अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। और गाइस, ये मैं बहुत दिन बाद अपना वीडियो डाल रही हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो आज एक छोटा सा वीडियो डाल देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और शाम में मैं बना रही थी मटर पुलाव। तो सादा सिंपल सा मटर पुलाव है ये। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है, और इसलिए बस मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही। फिर भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं किस तरह बना रही थी। तो देखिए गाइज, अभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई थी क्योंकि हस्बैंड और बेटी बाहर गए हुए थे, तो वो वापस आ गए थे। और आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैंने स्टिकर लगाया है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ कैमरे में आ रहे थे, और कैमरा में आना अभी मतलब बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगता वो लोग को, तो बस इसलिए। और उन्हें पता नहीं था कि मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, तो बस इसलिए मैंने स्टिकर लगा दिया था। तो देखिए अभी आप लोग, मैंने एक कुकर चढ़ाया हुआ है गैस पर, और उस पर मैंने हमारा तेल डाल लिया। और तेल डालने के बाद मैंने उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है, दो मीडियम सी, और प्याज को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने दिया है। और प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हुआ उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन डाला है, और अदरक लहसुन को भी बस 1-2 मिनट के लिए ही भूंदा है। और उसके बाद मैंने उसमें हमारे मसाले मसाले वगैरह मतलब हरी मिर्च काट कर डाली है, और खड़ा मसाला डाला है, और उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाला है। और एक ये दूसरे कुकर में मैंने हमारा गोश्त पहले से ही उबाल कर रख लिया था क्योंकि ये मटन पुलाव है, तो इसलिए मैंने इसका गोश्त अलग से उबाला था। और अलग से उबालने की एक वजह ये भी थी कि मुझे थोड़ा सा सूप अपने बेबी के लिए निकालना था, और अगर मैं भून कर मटन पुलाव बनाती तो फिर सूप मैं नहीं निकाल पाती क्योंकि हरी मिर्ची वगैरह डालकर भूनना पड़ता है। तो बस इसलिए मैंने अलग से पहले ही हमारा गोश्त उबाल कर रख लिया था। तो बस मसाला अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें हमारा गोश्त डाल दिया है, और अभी मैंने हमारे चावल को मोज लिया क्योंकि मुझे मैं अंदाजे से नहीं डालती हूँ चावल में पानी कभी भी, जितना चावल होता है उतना दुगना पानी डालती हूँ, या फिर जो भी चीज़ से मैं नापती हूँ तो उससे उसका दुगना माप ले लेती हूँ। तो अभी मैंने 1.5 गिलास चावल लिया है, तो मैंने 3 गिलास पानी उसमें डाल दिया, और पानी डालने के बाद अभी मैंने हमारा चावल उसमें ढोकर और डाल दिया है। और मैं बस अभी कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसे पकने दूंगी, तब तक चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हालांकि मैंने वीडियो में सलाम कर ही लिया था, लेकिन अभी सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो अभी मैंने अपना, आप लोगों ने देखा कि सादा सिंपल सा पुलाव बना लिया है, और अभी मैं बाकी के दूसरे काम करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अभी हम और दूसरे काम कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, अभी मैं हमारा पुलाव बनाने के बाद मतलब बनाने के बाद नहीं, वो तब तक पक रहा था, तब तक मैं आगे के रूम में आ गई हूँ क्योंकि आगे के रूम में थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था, तो मैं बस वही उठाकर अपनी जगह पर रख रही हूँ। और आप लोगों से मुझे एक बात बतानी है
कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा अगर सलाम आप लोगों ने सुन लिया है वीडियो में, तो प्लीज़ ज़्यादा कुछ नहीं तो कमेंट में सिर्फ सलाम का जवाब ही लिख दीजिएगा। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी आप लोगों से। तो देखिए अभी आप लोग, मैंने आगे का जो पसारा था रूम में, थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ वो उठा लिया है, और अभी मैं जो हमारे सोफ़ा के कवर वगैरह थे वो सही कर कर रख रही हूँ। और ये हस्बैंड के टी शर्ट है जो मैंने धुल कर लाई थी, और इधर घड़ी कर कर तय कर कर रख दिया था, कपाट में रखना बाकी था तो बच्चे लोगों ने वापस से इन्हें बिखेर कर रख दिया था, तो मैं बस वही उठाकर और वापस से घड़ी कर कर उन्हें रख रही हूँ। देखने में तो लग नहीं रहा था आप लोगों को वीडियो में कि कुछ सामान होगा, मगर फिर भी बच्चों का घर है तो सामान बिखर ही जाता है। बारीक बारीक खिलौने वगैरह इधर उधर बिखरे हुए थे, तो बस अभी मैंने वही सब उठा लिया है, और अभी मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। और उधर जो आप उधर के रूम में देख रहे हैं वो मेरी बेबी की साइकिल है, तो बस मैं अब अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए अभी बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।